चमचो के पास मुक्कों की बात को बात करने के लिए बात ही नहीं है भाई साहब, इनके पास बात नहीं है। अब क्यों, अब ये फंस जाएंगे, अब ये फंस जाएंगे। क्यों, महिला सुरक्षा की बात की जाए तो इन्हें हम अंधभक्त दिखाई देते हैं, जब बात देश में बढ़ रही पॉपुलेशन की जाए तो इन्हें हम अंधभक्त दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए कि हमारा देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ तो मैंने अंधभक्त दिखाई देते हैं, जब तर्क पे बात की जाए तो अंधभक्त को नजर आते हैं। भाई साहब क्या आप अंधभक्त कहते हो, आप कौन से चमचे हो? अरे भाई साहब आप कौन से चमचे हो? उन्होंने कहा अंधभक्त हमारे सूरदास जी। अरे भैया आजा सुन ले मेरी बात, बात पूरा देखो, ये है, ये इनकी चाटुकारिता लोग हैं, वो ऐसे भागते हैं भाई साहब, दिखा देना कैमरे में। अगर हमें फ्री चाहिए होता भाई साहब तो हम, हमारी बात सुनो भाई साहब, जिस झाड़ू वालों को ये लेके आए, जिस झाड़ू वालों को ये लेके आए थे ना, आज गली गली से आवाज आ रही है, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। ये फ्री की बात कह रहे हैं मेरे से, रोजगार टैलेंट है तो रोजगार सबके पास है, किसके पास रोजगार नहीं है, कौन बेरोजगार है, कौन जगह पास भाई साहब, वो बेरोजगार है। मैं कहीं का भी हूँ, ठीक है, हिंदुस्तान की इतनी बुरी स्थिति है इस समय, ठीक है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार, जाके वहाँ पे देखिए जो बच्चे रिक्शा चला रहे, पूछो सब डिग्री लेकर रिक्शा चला रहे हैं सब, इनका बस है पकौड़ा बेचवाए सबसे, ठीक है। हिंदुस्तान में कुछ काम नहीं हो रहा है, 10 साल में 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था ना, सब बिगाड़ दिया मोदी जी ने, अभी कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में, ये समझ लीजिएगा। इनके जैसे लोग जो है ना, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनको रोजगार चाहिए नहीं, इनको काम, इनको महंगाई से मतलब नहीं है, इनसे पूछे क्या करते हैं। भैया कितने बच्चे हैं घर में, बच्चे कितने हैं, इनसे पूछे क्या, बच्चे कितने, क्यों बताऊंगा आपको कितने बच्चे हैं, क्यों बताऊंगा, क्या मतलब क्या, मैं सुनो सुनो, जनसंख्या बढ़ाएंगे ये, मोदी जी नौकरी देगा इन्हें, अरे भैया सुन ले मेरी बात, मोदी का राशन खा के शाम को आधा चाहिए, मोदी जी का विरोध करने, फ्री का राशन चाहिए इन्हें, फ्री की बिजली चाहिए इन्हें, एक एक साथ एक दारू चाहिए इन्हें। राशन 5 साल तुम लोग को लॉलीपॉप मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है, 5 करोड़ राशन इन लोग को मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने, एक मिनट शांति रखो यार, मोदी जी जो 5 साल का जो राशन जो दिए ना है, इन्हीं लोगों के लिए दिए हैं, उनको पता है आगे 5 साल तक वो कुछ काम नहीं करेंगे, इनको बिठा के सिर्फ खिलाना है, हाँ इनको इनको ये भूसे खाना है, 5 राशन में खाना खा लोगे आप लोग, 5 किलो चावल जो मिलता है, 2 किलो चावल जो हम लोग को दे रहे हैं मोदी जी इन लोगों को, हमको तो नहीं दे रहे, हाँ फ्री में उससे खाना, उससे चल जाएगा घर, उससे रहते चल जाएगी। अरे मैं कहीं का भी हूँ तुमसे, उससे क्या मतलब यार, उसे क्या बोलते, आदमी आज का रोजगार जो पढ़ा ली, अरे चुप रहो यार, आज का रोज बच्चा जो पढ़ रहा है वो अपना पैसे से अपनी मेहनत करके कमाएगा ना, हमको किसी की भीख नहीं चाहिए, अरे हमारे रोजगार पैदा करो हमारे लिए, हम अपना खुद मेहनत कर अपना खुद कमाएंगे। है या नहीं राशन कार्ड, है या नहीं, कितने में आपका राशन, हमारे पास नहीं है कुछ नहीं, हमें कुछ लेना ही नहीं है यार, हम अपनी मेहनत से कमाएंगे यार, हमको नहीं चाहिए कुछ नहीं लेना, झूठ बोलना है भाई साहब, इनको काम से मतलब है नहीं, इनको ग्रेजुएशन से मतलब है नहीं, इनको पढ़ाई से मतलब, महंगाई से मतलब है नहीं, इनको सिर्फ फ्री में चाहिए राशन, 5 साल इनका कट जाएगा अच्छे से, एक के साथ एक चाहिए, इन्हें एक के साथ एक चाहिए, कुछ नहीं करना है, इन सब लोग क्या करते हैं, अगर हमें फ्री चाहिए होता भाई साहब तो हम, हमारी बात सुनो भाई साहब, जिस झाड़ू वालों को ये लेके आए, जिस झाड़ू वालों को ये लेके आए थे ना, आज गली गली से आवाज आ रही है, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। ये फ्री की बात कह रहे हैं मेरे से, तो क्यों केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया भाई साहब, दिल्ली में केजरीवाल फिर आएगा, ये अंधभक्ति खत्म हो जाएगी, सांसद का मुझे नहीं पता है, केजरीवाल देखो फिर आएगा सीट लेकर के, हाँ फिर से आएगा, ये जितना भी चिल्ला रहे, देखो जो पढ़ा लिखा बंदा है वो केजरीवाल को वोट देगा, जो जाहिल अंधभक्त रहेगा वो मोदी जी को वोट देगा, सीधी जाहिल आदमी दारू नहीं पीता, आ जाओ इधर, अरे इधर आ जाओ, आप कर्नाटक में चले जाओ, वहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे, जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे, ग्रेजुएशन बीकॉम, वो सब जो हैं यहाँ पे, मतलब मोदी भाजपा को छोड़कर किसी को भी वोट देंगे इनको, भैया जैसे, अरे इनकी मानसिकता मैं बता रहा हूँ, इनकी मानसिकता मैं बताऊँ, इन्होंने कहा अंधभक्त हमारे सूरदास जी, अरे भैया आजा सुन ले मेरी बात, बात पूरा देखो, ये है, ये इनकी चाटुकारिता लोग हैं, वो ऐसे भागते भाई साहब, दिखा देना कैमरे में, सच्चाई सुनने की इनकी आदत नहीं, क्या कहते हैं अंधभक्त, इन्हें बता दूं, आंखों से अंधे हमारे सूरदास जी भी थे, और वो भगवान की भक्ति में लीन थे, उन्हें सूरदास को आज महान कहा जाता है, क्या आप अंधभक्त कहते हो, आप कौन से चमचे हो, अरे भाई साहब आप कौन से चमचे हो, कश्मीर के अंदर लाखों हिंदुओं को काटा जाता है, जब तुम्हारी मानसिकता कहाँ जाती है, अरे बोलो चाहिए, बोलो ये आ गए, इनको चाहिए, इनको रोजगार से मतलब नहीं है, इनको महंगाई से मतलब नहीं है, जब हम बचेंगे नहीं मतलब नहीं है, हमें जबरदस्ती काटा जाएगा, हम बचेंगे नहीं तो रोजगार का घंटा लेंगे, हम काम कीजिए ना, कोई एक बोलिए एक साथ, रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगा, कोई एक बोलिएगा, नहीं नहीं पहले शांत, एक मिनट चुप हो जाइए, शांति से
आप क्या चाहते थे, क्या नहीं हुआ, दो लाइनें बताइएगा। भाई साहब देखो, हमको रोजगार चाहिए, हमको महंगाई में कमी चाहिए, ठीक है। हमको एम्स चाहिए, हमको अच्छी अच्छी रोड चाहिए, ठीक है। हमको क्या नाम है, भर्ती चाहिए, हमको जो सरकारी नौकरी नहीं प्राइवेट में मिल जाए यार, हमको सब कुछ चाहिए। हमको किसी की भीख नहीं चाहिए, ठीक है। हमको किसी की भीख नहीं चाहिए, हमको बस खाली स्वर हमको नहीं चाहिए भैया, हमको मुश्किल राशन हमको चाहिए ही नहीं यार, हमको सिर्फ रोजगार दे तो भैया हम मेहनत करके कमा लेंगे भाई, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है हम कमाए खा लेंगे, हमको किसी की भीख नहीं चाहिए। और जो भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी दे रहे, मोदी अपने पॉकेट से अपने खाना कैसे लेंगे, अपने खाना कैसे लेके नहीं आए मोदी जी, मोदी हमारे टैक्स के पैसे से ही बांट रहे हैं, इनको पता नहीं है ये बात। मोदी कहाँ, मोदी खाना कैसे, मासी कैसे लेके नहीं आए थे मोदी जी, मोदी यहीं से बांट रहे हैं, ठीक है। अब एक मिनट, इनकी पहली बात ये, जब मैंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया तो इन्होंने कह दिया कि हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। भैया जब हम मरते रहेंगे तो हम रोजगार कहाँ से लेंगे, हम मुद्दे कहाँ से उठाएंगे, हम करते हैं काम की बात। जब जनसंख्या को बढ़ाने की निरंतर जारी रखेंगे, निरोध का ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, जनसंख्या को बढ़ाते जाएंगे तो इनके घर में एक एक घर में 17-17 बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। रोजगार टैलेंट है तो रोजगार सबके पास है, किसके पास रोजगार नहीं है, कौन बेरोजगार है, कौन जिसके पास भाई साहब वो बेरोजगार है सब, बिल्कुल कहाँ खड़े हैं ना कि वो कितने पढ़े लिखे बता देंगे आपको। नौकरी नहीं है, नौकरी है ही नहीं, रिक्शे चलाने मजबूर है जो, अरे नौकरी सरकारी नौकरी क्या करेगा जो, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी, अपना टैलेंट दिखाओ, नौकरी पाओ, सबको नौकरी है, किसको नहीं है। सरकारी नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए किसी को, सब झाड़ू लगाएगा, सब रिक्शा चलाएगा, गजब बात। सरकारी क्या काम होता है, छह महीने में बिजली बनती थी, अगर बिजली ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो छह महीने बाद ट्रांसफार्मर लगता था। किसकी सरकार चाहिए बता दो भाई साहब, जो ईमानदार है, जो जनता के लिए काम करेगा, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए बहस मत करिएगा, मुझे जो जनता के लिए काम करेगा मुझे उसकी सरकार चाहिए, मुझे, मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, ठीक है। जो रोजगार देगा, जो महंगाई को दूर करेगा, जो विद्यालय बनाएगा, जो विद्यालय में अच्छा काम करेगा, ठीक है, जो एम्स बनाएगा, जो रेलवे में अच्छा काम करेगा, मुझे वो सरकार चाहिए। जनता के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, कर रहे हैं जनता जी, अपने जो अडानी अंबानी जो उनके दोस्त लोग हैं, ठीक है, 16,000 करोड़ लोग लेके भाग गए, उनके लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ये, मगर चोरों को काम नहीं किया है। एक तो यहाँ से अगर हम एयरपोर्ट पर जाएंगे जाने के लिए 10 तरह की होगी, आधार कार्ड दिखाओ, अपना टिकट दिखाओ, अपना दिखाओ, इनके चोर लोग, इनके मित्र चोर लोग जो है यहाँ से विदेश चले जाते, इनको पता नहीं चलता कहाँ से चले गए, 1,000 करोड़ लेके भाग गए, पता नहीं। अभी नया जो रेवन्ना भागा, सुनो यार, अभी जो नया रेवन्ना भागा हुआ है रेपिस्ट, 2900 रेप, हाँ कर्नाटक का, वो इनके पार्टी का, सुन लीजिए, इनके पार्टी का था, ठीक है, वो करके भाग गया, उनको ही पकड़ नहीं सका मोदी जी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाना चाहेंगे, अभी हम 50,000 रुपये निकालने जाएंगे ना एटीएम में, या कहीं भी बैंक में जाएंगे ना, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पैन कार्ड दिखाओ, अपना फलाना दिखाओ, सुन लो यार, बोलो मत बीच में, ठीक है। और यहाँ पे एयरपोर्ट से फ्रॉडिया जो है 1,000 करोड़, अरे सुन लो अंकल जी बोलने दो, 1,000 करोड़ लेके भाग जा रहे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट से इतनी सिक्योरिटी होती है, उसके बाद 1,000 करोड़ लेके भाग जा रहे हैं, इनको पता नहीं है। मालीवाल के ऊपर क्या क्या तर्क रखते हैं आप, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हो गया दिल्ली में, सेम हाउस, उनके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। भैया चमचों के पास बात करने के लिए बात ही नहीं है भाई साहब, इनके पास बात नहीं है, अब क्यों, अब ये फंस जाएंगे क्यों। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो इन्हें हम अंधभक्त दिखाई देते हैं, जब बात देश में बढ़ रही पॉपुलेशन की जाए तो इन्हें हम अंधभक्त दिखाई देते हैं, अगर बात की जाए कि हमारा देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो इन्हें अंधभक्त दिखाई देते हैं, जब तर्क पर बात की जाए तो अंधभक्त हुए नजर आते हैं भाई साहब, ये इन लोगों की सच्चाई है। लेकिन मैं बता दूं, देश की जनता ये पहले वाली जनता नहीं है जो धर्म के आधार पर आप बांटोगे बढ़ जाएगी, नहीं, मोदी जी ने कार्य किया है सबका साथ सबका विकास, इसलिए सबका विश्वास मिल रहा है। और जो नारा दिया है ना अब की बार 400 बार, इसका भी एक लॉजिक, 370 धारा 28 प्लस 35A 28 405 बनती है, 5 हमने दान में दे दी विपक्षियों को।